हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में सिंपल टेस्टी फ्राइड चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी, जिसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब बनती है ये और बनाना बहुत आसान है। तो एक बार मेरे मेथड से ये सुपर इजी सिंपल टेस्टी सी बिरयानी ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल नया प्रोसेस, नया तरीका और बहुत ही उम्दा बिरयानी। चलिए कैसे बनाना है सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1.25 kg चिकन ली हुई है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। कुछ बड़े बड़े पीसेज में मैंने कटवाया हुआ है चिकन को, जिससे बिरयानी में पीसेस दिखेंगी। अब इसमें 2 बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच नमक हमें ऐड करना है। साथ में मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2.5 बड़े चम्मच। इसी के साथ मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। तो साथ ही में हमें लेमन जूस लेना होगा, तो मैंने एक पूरा लार्ज साइज का लेमन लिया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अर्क है, जूस है, इसीलिए मैं हाफ यहाँ पे यूज कर रही हूँ। अगर आप लेमन ले रहे हैं जिसमें जूस कम निकल रहा है, तो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। तकरीबन आपको 3 टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करनी है और अब इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाकर मिक्स कर देना है। बेसिकली चिकन पे ये मिर्च हल्दी मसाले जो हैं हमें बिल्कुल अच्छे से लगा देने हैं। और ये देखिए कलर चेंज हो गया है। और अब इसको लिड से कवर करकर मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए साइड पे रखूंगी, जिससे ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक पॉट ले लेनी है, जिसमें हमें 200 ml ऑयल डालना है। इतना ही तेल हमें चाहिए होगा पूरी बिरयानी बनाने को। और अब इसमें मैंने 4 प्याज ली है। 4 प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, जैसे हम रिश्ता बनाते हैं। और अब इसको हमें लगातार फ्लेम हाई करके फ्राई कर लेनी है, जिससे प्याज का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक खास टिप मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको प्याज जल्दी फ्राई करना है, तो आप इसमें थोड़ा नमक छिड़क दीजिए। ये बहुत क्रिस्पी भी बनेगा और बहुत अच्छा क्रिस्पी फ्राइड बनेगा अनियन। तो ये हमें निकाल कर साइड पे कर लेना है। और जो बचा हुआ तेल है फ्रेंड्स, तकरीबन ये 20 से 25 मिनट हो चुका है मैरिनेट हुए हुए चिकन को। तो अब इसी तेल में हमें हमारा सारा चिकन डाल देना है, क्योंकि ये लार्ज पॉट ली हुई है मैंने, प्लस चिकन पीसेस पूरे इसमें आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक एक करके इसमें सारे डाल देती हूँ। और डालते के बाद हमें 4-5 मिनट तक इसको इसी तरह से फ्लेम हाई कर फ्राई होने देना है, स्टर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पीसेस लिए हैं, उसमें मैंने 1-2 पीस जो है लेग और थाई अटैच करवा कर रखा हुआ है, जिससे दिखने में बहुत प्यारा लगता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, तंदूरी फ्लेवर भी आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको रखवाइएगा। और बिरयानी के बड़े बड़े पारचे पीसेज होंगे, तो चिकन दिखेगा और बहुत अच्छा मज़े का लगेगा। तो अब यहाँ पे देखें, 4-5 मिनट हो गया, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दे रही हूँ। और अब इसको हमें हल्का सा स्टर करते हुए घुमा देना है, जिससे ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई होगा। तो लगातार फ्लेम हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पर इसको बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आप जैसा कि देख सक रहे होंगे, जैसे जैसे ये फ्राई हो रही है, इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आ रहा है और चिकन के हटने की भी पहचान आ रही है, क्योंकि बोन से वो अलग होता हुआ दिख रहा है। तो बस ये गल भी जाता है, क्योंकि मैरिनेट अच्छा हुआ हुआ है, प्लस यहाँ पे फ्राई भी हो रहा है, तो 50% तो ये बिल्कुल हो चुका होता है। तो ये देखिए चिकन बिल्कुल अच्छी फ्राई हो गई है, ग्रिल मार्क्स आ गया है। तो मैं इसको निकाल कर साइड पे कर लेती हूँ। और जो तेल बचा हुआ है, उसमें हमें साबुत जीरा यानी कि शाही जीरा, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी लेनी है, और इसको हमें इसमें हल्का भून लेना है, क्योंकि ये मसाले हैं चिकन के ही हैं, इसी में हमें डालना है। और डालकर इसको हल्का सा भून लेना है। और अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें क्रश कीवी हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 8-10 पीस लार्ज हरी मिर्चें ली हैं और उसको मैंने क्रश कर लिया है और बस यहाँ पे डाल दिया है। इससे बहुत ही चटपटा, स्पाइसी सा, टेस्टी सा ये चिकन बिरयानी बनता है फ्रेंड्स, और बहुत मज़े का लगता है। तो ज़रूर डालिएगा हरी मिर्च। अब यहाँ पे डालने के बाद में इसको लगातार स्टर कर दीजिए। और ये जो सारा प्रोसेस हो रहा था लो फ्लेम पे हो रहा था, इसी पॉइंट पे मैंने इसमें 250 ग्राम दही डाली है। और दही डालकर मैं इसको अच्छे से चला दे रही हूँ। लो फ्लेम पे ही आपको दही डालनी है और इसको लगातार स्टर करते रहिए, जिससे दही का मसाला अच्छे से मिलकर भुन जाए। अब जब ये भुन गया है, तो यहाँ पे हमारी जो फ्राई की हुई अनियन थी ना, वो लेनी है, उसको थोड़ा क्रश कर लेना है। और क्रश कर हाफ यहाँ पे डाल देना है, तकरीबन हाफ कप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और डालकर इसको अच्छे से मिला दीजिएगा, क्योंकि ये बेस ग्रेवी बनाने में मदद करेगा। इसी के साथ इसमें मैं हरी मिर्चें ले रही हूँ लार्ज साइज की, और थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्चें आती है ना, वो लेना है। और इसी के साथ इसमें हरा धनिया डालना है। अगर आपके पास में ये मिर्चें नहीं हो फ्रेंड्स, तो आप ये टोटली स्किप कर सकते हैं, या इसकी जगह पे साबुत 4-5 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। और अब पूरा चिकन हमें डाल देना है यहाँ पे। डालने के बाद में इसको लगातार से हमें अच्छे से चलाना है, जिससे जो मसालों का अपना फ्लेवर्स है, वो चिकन के अंदर अंदर तक चला जाए, क्योंकि चिकन बहुत अच्छे फ्राइड है, इसीलिए फ्राइड चिकन का अलग ही मजा है। और इससे बिरयानी बहुत टेस्टी बनती है। इस पॉइंट पे जब ये मसालों में मिल गई होती है, तो अभी हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने हैं, जो कि इसको और लाजवाब, जानदार, शानदार बनाएंगे, जिससे ये चिकन की ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी और इवेंचुअली हमारी बिरयानी बहुत मजे की बनेगी।
तो 4-5 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से मसालों में भुन सा गया है ये। इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें चिकन मसाला पाउडर ऐड करूंगी और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी पाउडर 1 टेबल स्पून। सारे मैंने 1-1 टेबल स्पून डाले हैं और डालकर इसको मैं अच्छे से चला दे रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, अलग से आपको कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है। जो हमने साबुत मसाले डाले हैं ना, दालचीनी, हरी इलायची, वो सब काफी होगा, उसको फ्लेवर दे देगा। ये सारे मसाले अलग से डालकर इसको मिलाइए, थोड़ा पानी डालिए, लिड लगाकर इसको 7-8 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। जब तक ये कुक होती है तब तक मैं आपको चावल पकाना बताती हूँ। चावल बनाने के लिए हरी मिर्चें ली हैं, तेज पत्ता लिया हुआ है, कबाब चीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा लिया है, साथ में 4-5 बड़े चम्मच नमक लिया हुआ है फ्रेंड्स। और अब यहाँ पे चावलों को हमें उबलते हुए पानी में डाल देना है और इसको लगातार से हमें कुक करना है फ्लेम हाई कर कर, जब तक कि 80% तक डन नहीं हो जाते। और जैसा कि आप देख सकते हैं, चावल हमारे बहुत अच्छे कुक हो गए और बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया होगा सारे मसालों का। तो इस पॉइंट पे हमें हमारे चावल को छान लेना है। यहाँ पे मैंने 1 केजी चावल ली हुई है और अब चावल को छानने के बाद में आती है बारी हमारे चिकन को देखने की, जो कि बहुत अच्छे से कुक हो रहा था। तो मैंने इसको दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट कर दिया था फ्रेंड्स, और ये देखें बहुत अच्छे से भुन सा गया है। ये मसालों का सारा फ्लेवर चिकन के अंदर आ गया है और अब ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी रेडी हो गई है। तो अभी हमें इस पॉट को कर लेना है और इसी में लेयरिंग करनी है, जिसके लिए हाफ राइस यहाँ पे हमें डालना है। इसी के ऊपर हमें हमारा ब्रिस्ता डालना है क्रश कर कर, आधा लेमन जूस जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे हल्का सा छिड़कना है, 1-2-3-4 बूंदे डाल देनी है, थोड़ा सा हरा धनिया डालिए। और अब इसके ऊपर हमें हमारा चिकन डालना है, तो चिकन सारी यखनी हमें यहाँ पे डाल देनी है विथ मसाला। और ये इस तरह से डालने के बाद में इसको हल्का स्प्रेड कर दीजिए सभी तरफ बराबर से। और अब इसके ऊपर दोबारा हमें ब्रिस्ता डालना है क्रश कर कर, साथ में मैं इसके ऊपर अब डाल रही हूँ सारा बचा हुआ चावल। थोड़ा सा लेमन जूस मैंने यहाँ पे भी डाला है, लेमन जूस की वजह से चटपटा सा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप हल्का सा छिड़क कर देखिएगा, आपको फर्क दिखेगा। बाकी बचा हुआ चावल डालने के बाद में ऊपर से हमें ब्रिस्ता, हरा धनिया डालना है वापस। इसके साथ ही मैं इसमें केवड़ा और सैफरन कलर ऐड कर रही हूँ, सैफरन कलर में यहाँ पे डाल रही हूँ। इसमें मैंने केवड़ा की 4-5 बूंदे ऐड कर दी हैं और इसको डालकर अच्छे से कलर आ जाएगा। लिड लगाकर हमें इसको 20 से 25 मिनट का दम देना है और आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी। जब तक बिरयानी में दम हो रहा है, मैं क्विक सैलेड बनाना बताऊंगी फ्रेंड, जिसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही मजे की बनती है। इसके लिए आपको लच्छे लेने होंगे प्याज के, खीरा लेना होगा, गाजर लेना होगा। गाजर नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ प्याज या खीरे से भी बना सकते हैं आप इसको। खीरा और गाजर को मैंने स्लैंट कट कर लिया है फ्रेंड्स। इसी के साथ मैंने हरी मिर्चें बारीक कट कर कर डाली हैं, लेमन जूस आधा डाल रही हूँ मैं। और इसी के साथ मैं इसमें अब नमक डालूंगी, नमक हसबे जरूरत टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको चाट मसाला अच्छा लगता है तो वो भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, और डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। और ये प्याज का सैलड रेडी हो गया है, क्रंची क्रिस्पी सैलड इस बिरयानी के साथ में खाने के लिए। इधर हमारी बिरयानी पे आ चुका है दम, जो कि मैं आपको लिड हटाकर दिखा रही हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छी स्टीम बनी है, चावल बिल्कुल सॉफ्ट मॉइस्ट हो गया है और बहुत ही यमी सा हमारा बिरयानी बनकर तैयार हो गया होगा। तो अब यहाँ पे इसको मैं मिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से नीचे ऊपर चावल कर अच्छे से मिला लीजिए, और जिससे बहुत ही चटपटा मजेदार सा आपका बिरयानी तैयार होगा और बहुत ही अच्छी बोटियों बोटियों में फ्लेवर्स है, टेस्टी सा है, यमी सा है। एक बार आप ये फ्राइड चिकन बिरयानी जरूर बनाकर देखिएगा, आपको भी बेहद पसंद आएगा। तो ये देख जैसा कि देख सकते हैं आप, कलर कितना बेहतरीन आया है, इससे भी लाजवाब आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। एक बार मेरे मेथड से ये जबरदस्त बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा और आप भी इसके फैन हो जाएंगे। तो अगर आपको लार्ज स्केल पे अपने मेहमानों को, घर वालों को दावत पे या फिर किसी भी ऐसे फंक्शन के लिए बिरयानी बनानी है, तो बस गेट टुगेदर हो या कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हो रहा हो, आप ये बिरयानी घर पे अपनों के लिए ट्राई कर सकते हो और पर की मेजरमेंट के साथ में इसको बनाकर अपने घर वालों को, लव वन को शेयर कर सकते हैं, खिलाइएगा, सभी को पसंद आएगी। तो मैं इस बिरयानी को सर्व कर रही हूँ प्लेट में निकालकर क्रंची क्रिस्पी सैलेड के साथ में, और आप कैसे सर्व करोगे मुझे जरूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इसका रिजल्ट चेक कीजिए, देखें कितनी सॉफ्ट है, फॉल ऑफ हो रही है चिकन बोन से, और बहुत ही दाने दाने में चावल के फ्लेवर्स है, बहुत यमी, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। तो जरूर ट्राई करो फ्रेंड्स, आप भी, आपको अच्छी लगेगी। तो फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई धमाकेदार जबरदस्त रेसिपी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।